नमस्कार दोस्तों, खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए आज एक नया ठिकाना, एक नया अड्डा राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में मल्हार रोड पर विकल्प खंड में खुल गया है। आज सोमवार को कानून और विधायी मंत्री ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों, अगर हम इस रेस्टोरेंट की यूएसपी की बात करें तो एक तो बहुत बढ़िया जो यहाँ का इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है, आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं, ओपन एयर में इसका आनंद ले सकते हैं, और उसके साथ ही जो यूएसपी है वो ये है कि ऑर्गेनिक मसालों का यूज़ किया गया है, यानी मसाला दरबार नाम रखा गया है, तो जो मसाले हैं वो ऑर्गेनिक हैं, सीधे खेतों से यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको फूड मतलब लकड़ी पर और कोयले पर बना खाना मिल जाएगा। ये देखिए एक लजीज मटन, शेफ़ से हमने कहा कि थोड़ा सा हमको दिखाइए किस तरीके का लुक है, जब लकड़ी पर या कोयले पर चीज़ें बनती हैं तो उस खाने का ऑटोमेटिक कुछ अंदाज़ ही अलग हो जाता है, फिर चाहे वो मटन हो, दाल हो, और या फिर ये देखिए सुंदर सा दिखने वाला चिकन। जब सूरत इतनी अच्छी है तो निसंदेह स्वाद भी इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। कई लोग जो यहाँ पर उद्घाटन के समय पर आए थे उनसे हमने बात करी, उनसे जाना कि क्या फीडबैक है, कैसा लगा खाना, तो उन सभी लोगों ने मसाला दरबार की तारीफ़ करी। तो दोस्तों, मल्हार रोड पर विकल्प खंड में यह मसाला दरबार खुल गया है, एक बार परिवार के साथ जाइए, वेज नॉन वेज दोनों चीज़ों का आनंद लीजिए। आइए हम बात करते हैं ऑनर सूर्य प्रताप सिंह से और जानते हैं पूरी। सर, आज यहाँ गोमती नगर विकल्प खंड में मसाला दरबार, अभी मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मसाला दरबार, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो ये नाम क्यों रखा गया है? सर, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, और मसाला दरबार रखने के पीछे एक रीज़न है कि जो लखनऊ वासी हो, जो लखनऊ के वासी हैं, जो नॉनवेज लवर हैं, मतलब जो नॉनवेज देसी स्टाइल में खाना चाहते हैं, जो लकड़ी का मटन बना हुआ खाना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ हम लेके आए हैं। जैसे एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली कि मसाला मार्केट से खरीदते हो, मसाले की अलग अलग क्वालिटी होती है, हम मसाला ऑर्गेनिक मसाले से मटन बनाते हैं, एक सहकारी फर्म है वहाँ से हम मसाले की वहाँ खेती होती है। अगर आप कोई देखना चाहे जाके देख सकता है, गोवा में, साउथ गोवा में एक जगह है, वहाँ पे मसाले की वो पूरी खेती है, वहाँ मसाले ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, और तुरंत उस मसाले को वहाँ से तोड़ के वहाँ पे उसको सिखा के और वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, सहकारी उसका फर्म का नाम है, और उससे हम यहाँ पे आपका मसाला दरबार देने का नाम के पीछे रीज़न वही था कि हम मसाले पे ही अपने टेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं, और लकड़ी पे हम, हमारा वुड फायर मटन जो है हमारा यूएसपी है, हमारा स्पेशलाइजेशन है, और हम मटन उसी हिसाब से लकड़ी पे बना रहे हैं जी। और उस मसाले में क्वालिटी ये है कि उस मसाले को खाने के बाद लोग, जैसे आप मटन खाने में जो हैवीनेस होती है, जो लोगों का गला जलता है, लोग कहते हैं कि आगे चल के दिक्कत होती है, उस इस चीज़ का एश्योर कि वो उस मसाले से मटन खाने के बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लखनऊ में तो पहले से नवाबों का नॉनवेज का बहुत बड़ा एक क्रेज़ रहा है, ऐसे में देसी मसाले आप लेकर के आए हैं, तो ऑर्गेनिक मसाला जो बिल्कुल प्योर मसाला है, जो तुरंत उसको पेड़ से तोड़ा जाता है, वहीं सुखा के उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है जी। यहाँ की लुक की बात करें तो बिल्कुल पीछे हम देख रहे हैं रूमी गेट बना हुआ है, और वो दरबार का जैसा एक लुक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? प्रेजेंटेशन सर, मैं इसको मसाला दरबार का नाम दिया हूँ, लखनऊ एक्चुअली पहले से ही नवाबों का शहर रहा है, और नवाबों के लिए ही जाना जाता है, यहाँ का लखनऊ ऐसी शहर है जहाँ का चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है, तो आप जानते हैं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश से, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, वो लखनऊ में चिकन और कबाब के लिए ही आते हैं। उस बीच हम एक अपना छोटा सा आउटलेट लेके आए हैं कि ताकि हम लोगों को उसका नॉनवेज का एक हम देसी लुक में, एक देसी लकड़ी पे बना हुआ मटन का टेस्ट दे पाएँ। जैसे ये तो देसी लकड़ी पे बने हुए मटन की बात हो गई, अगर और वेराइटीज़ की बात करें तो मटन में, चिकन में और कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं? मटन चिकन हमारे वहाँ जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, हमारा मटन चिकन है, वुड फायर मटन, वुड फायर चिकन, जो हम लकड़ी पे बनाते हैं, कोयले पे बनाते हैं, बाकी हमारे वहाँ सारी डिशेज जो हैं रेगुलर, जितनी रेगुलर हमारे वहाँ, हम तीन सेगमेंट पे आए हुए हैं, हमारा चाइनीज और इंडियन और तंदूर, हम उस पर दे रहे हैं, बाकी टेस्ट आप, अब हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लखनऊ की आवाम है, लखनऊ की जो पब्लिक है, जनता, एक बार ज़रूर आए और हमारे टेस्ट को देखें, और प्लीज़ हमें मौका दें उनके सेवा में तत्पर रहने का जी। सर, ये कई बार ऐसा होता है कि अमूमन परिवार साथ में आता है, कोई एक जना वेजिटेरियन होता है, तो उसके लिए क्या होगा? सर, उसके लिए भी हमारे पास वेज के बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं,
और हर तरीके से, स्पेशली हमारा बटर पनीर, कढ़ाई पनीर मसाला, दाल फ्राई, दाल मखनी। मैं ये कह सकता हूँ कि दाल मखनी, हम फूडी हैं, हम लोग भी लखनऊ रेस्टोरेंट के लाइन में आए, तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं खाने के शौकीन हैं। और एक तरह से आपका पैशन होता है या एक काम करने का तरीका होता है, तो आप एक बार, मैं लखनऊ की जनता से कहना, अगर वेजिटेरियन है तो एक बार हमारे वहाँ का दाल मखनी जरूर टेस्ट करें जी। अब शेफ भी हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा आप बताइए कि एक तो पहले परिचय अपना दे दीजिए, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दीपू सिंह है। जी, तो किस तरीके की वैरायटी यहाँ पर रहेगी, क्या खासियत है? सर इसमें पूरा टेस्ट जैसा अपना चाहोगे सर वैसी होगा टेस्ट इसका, जितना क्वालिटी अपना बताओगे वो हिसाब से मेरा रहेगा। मतलब कैसा खाना है, जैसे तीखा खाना है, हल्का खाना है, हल्का भी खाना है, नॉर्मल भी चलेगा, नमक भी जितना टेस्ट मांगो सर, आप प्रॉपर टेस्ट वैसी देना पड़ेगा। जैसे मसाले इन्होंने बताए भैया ने कि ऑर्गेनिक मसाले यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मसाले पूरे होंगे। और जैसे चिकन मटन का जैसे बताया गया, सर ने मेरे बताया है कि देसी मटन देसी चिकन रहेगा ना, तो ऐसे ही मैं प्रॉपर मैं ही बनाता हूँ, इसके लिए जितना मसाला होता मैं ही लिख पाता हूँ सर से, बस इतना ही वो है। इसका लकड़ पे बनता है, कोयले पे बनेगा, और जितना अगर टाइम भी लगता है, टाइमिंग में भी होता है, तो टाइमिंग पर भी उसको भी सीमा भी दिया जाए। तो सर जैसे कोरोना अभी ख़त्म ही हुआ है और लोग पिछले 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ खाएंगे, तो वो अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, फेस्टिव सीजन भी आ गया है, तो वो हाइजीन की और कोरोना गाइडलाइंस की क्या व्यवस्था है? सर उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, कोरोना गाइडलाइन के थ्रू हाइजीन अनहाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, प्रॉपर वेटरों का साफ़ सुथरा, ग्लव्स, और उसके साथ हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको हम फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर कैप, प्रॉपर ग्लव्स, और जितनी हाइजीन अनहाइजीन की सैनिटाइज़र, हाइजीन अनहाइजीन की जितनी सारी वो हमारे प्रोटोकॉल के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और रख भी रहे हैं। चलिए, नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।